Hello everyone, this is Ashijan. This is another video on capital gain. So देखिए हमें ये सब सेक्शन हमें पढ़ने हैं या डिस्कस वन बाई वन हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है. फर्स्ट वन इज सेक्शन 45(1) दैट इज चार्जिंग सेक्शन. हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था. हमने डिस्कस किया था कैपिटल एसेट प्लस ट्रांसफर इक्वल टू कैपिटल गेन. हमने यही पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन में, ठीक है. देन हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सब सेक्शन 41. इसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज कैपिटल एसेट. हमने पढ़ा था व्हाट आर दी पॉजिटिव लिस्ट एंड नेगेटिव लिस्ट अंडर कैपिटल एसेट. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडी देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. एंड देन इन सेक्शन 48 वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन ब्रीफ what are the methods of computation in both type of capital asset. okay, so अब हम पढ़ेंगे that is section 45. section 45 देखिए क्या 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 हुए. section 45 sub clause 1A that is insurance claim, then 45 sub section 2 that is conversion of stock in trade into business, then section 45 clause 2A demat. That means when there is a purchase or sale of shares, so उस केस में जो है कैपिटल गेन कैसे निकलता है वो हम पढ़ेंगे. देन सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 वी विल टॉक अबाउट वैन द पार्टनर कमिंग और यू कैन से वैन द पार्टनर ब्रिंग्स एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट टू द फर्म, सो उस केस में जो है कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है. देन सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 अगर रिवर्स केस हो, दैट मीन्स वैन द फर्म इज ट्रांसफरिंग कैपिटल एसेट टू पार्टनर्स, सो उस केस में कैपिटल गेन कराया कैसे अराइज होता है. देन वी विल टॉक अबाउट दी सेक्शन 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन, दैट मीन्स जब गवर्नमेंट कोई भी जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है. अब आप सोच रहे हो कि सर हमने ऑलरेडी मेथड्स ऑफ कंपटीशन में पढ़ लिया तो सब ये सब क्या है. देखिए मेथड ऑफ जो कंपटीशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़ता इन जनरल सिचुएशन, दैट मीन्स ये सब क्या है हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं. और एक्सेप्शनल केसेस में कई बार हमको सेल कंसीडरेशन कुछ और लेना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ और होता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ और होता है. किसी किसी में तो इम्प्रूवमेंट लेते ही नहीं है, ठीक है, किसी किसी में इंडक्शन लेते ही नहीं है. सो हमें ये एक्सेप्शन केसेस हैं. इन दिस केसेस हमारे जो कुछ नॉर्म्स या फिर कुछ इनकम टैक्स के रूल जो बदल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका हमें देखना पड़ता है किसका ज़्यादा फायदा हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है. अगर किसी को लॉस हो रहा था तो गवर्नमेंट यहाँ पर इसको कुछ रिलैक्सेशन दे देती है, और देती है अगर किसी और को फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूल लेती है, ठीक है. सो अब तक जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल सिचुएशन में हाउ डू वी कंप्यूट कैपिटल गेन इन इन बोथ द केसेस ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, दैट इज short term capital asset as well as long term capital asset. Then we also talk about section 47 when there is no capital gain. देखिए capital gain कब arise नहीं होगा, देखिए ध्यान से देखिए capital gain कब arise नहीं होगा. capital asset तो है लेकिन transfer नहीं हो रहा होगा तब capital gain arise ही नहीं होगा. So उस केस में हम section 47 में देखेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने या फिर इनकम टैक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस केसेस को हमने ट्रांसफर माना ही नहीं है, और अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा, ठीक है. देन सेक्शन 50 दैट इज कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, इसको मैंने आपको पीजीपी में डिस्कस किया था, बाद में इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. देन सेक्शन 52 दैट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी होती है लैंड की होती है उसको हम कैसे कंसिडर करना है वो हम भी देखेंगे. देन वी हैव सम ऑल्सो एग्जम्पशंस, दैट इज वी विल डिस्कस अंडर सेक्शन 54. एग्जम्पशंस इन द सेंस दैट इज देखिए जैसे हमने सैलरी में पढ़ा था, सैलरी में देखिए अगर कोई सैलरी इनकम पर्सन तो गवर्नमेंट स्टेट अवे को डिडक्शन देती थी, दैट इज ऑफ रुपीज 50,000. सेम हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में जिसमें गवर्नमेंट जो 30% डिडक्शन देती थी. सेम फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पीजीबीपी में कि अगर कोई डोनेट करता है साइंटिफिक रिसर्च में या फिर किसी और में तो उसमें 100% या 150% जो है उसके बेसिस पर उसको जो काफ़ी बड़ी इसको डिडक्शन मिला देती थी. बट ऐसे ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो कुछ एग्जेम्पशन दे रही है यानी कि कैपिटल गेन को गवर्नमेंट क्या करती है इसको एग्जेम्प्ट कर देती है, ठीक है.
वो हम पढ़ेंगे कंप्लीट अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 में काफ़ी सारे सब सेक्शन हैं, तो वो उसके बारे में अभी मैं कुछ बताने चाहूँगा। तो मोटे मोटे आप तौर पे आप ये समझिए, समझ लीजिए कि हमारा सिलेबस जो मेन ये है, ठीक है। सो देखिए, अप टू तो हमें हमने ये तीनों पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एसएससी ने मान लीजिए 1 अप्रैल 2001 को एक एसेट परचेज की है ऑफ ₹12 लाख। मान लीजिए घर ही खरीदा है, इस डेट को परचेज किया है। देन ऑन 1 अक्टूबर 2013 को ₹5 लाख का इम्प्रूवमेंट किया है। सो मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देन ऑन 15 अक्टूबर 2018 को अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी हुआ, कुछ नेचुरल केसेस हो गए जिसमें जो है घर की भी डैमेज हो गई पूरी तरह से, ठीक है। देन ऑन 1 जुलाई 2019 को क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंटिंग ₹50 लाख, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ टाइम लाइन पर, देखिए हमने क्या पढ़ा। असासी ने 1 जुलाई 2001 को अपना एक घर खरीदा ₹12 लाख में। देन ऑन 1 अक्टूबर 2013 को ही मेड सम इम्प्रूवमेंट्स, ही मेड ही स्पेंट ऑन हिम ही स्पेंट सम अमाउंट ऑन इम्प्रूवमेंट्स, दैट इज ऑफ ₹5 लाख। देन ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज घर का जो कुछ डैमेज हो गया, पूरी तरह से खराब हो गया जो भी कुछ है, या फिर अर्थक्वेक आया, बाढ़ आ गई, तो पूरा बारा घर बह गया, या फिर घर टूट गया, डैमेज हो गया, मतलब पूरी तरह डैमेज हो गया। तब उसकी डेट क्या है, ऑन 15 अक्टूबर 2018। एंड देन इंश्योरेंस कंपनी ने उसको जो क्लेम दिया वो कब दिया, ऑन 1 जुलाई 2019। अब आप कुछ हो के सर इसमें कुछ अलग क्या है, सब कुछ सेम है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कैपिटल एसेट है, हाउस, उसका हमें देखना है पहले कि यह ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेल और ट्रांसफ़र में यही डिफरेंस है कि सेल बेसिकली अ नैरो टर्म एंड एंड इट बेसिकली अ सबसेट ऑफ ट्रांसफ़र। सो ट्रांसफ़र में सब सब वो वर्ड्स इंक्लूड है जो कि कैपिटल गेन के पूरी डेफिनेशन को वो चेंज कर देता है। इसका मतलब यह है कि वो इनकम टैक्स में साफ साफ बोला हुआ है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम से अगर कोई भी अमाउंट मिलता है किसी भी कैपिटल एसेट को डैमेज होने पे, तो उसको भी ट्रांसफ़र माना गया है। यानी कि इस इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हाउस क्या है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर है, दैट मीन्स देर विल बी अराइज ऑफ कैपिटल गेन। अब आपको देखना है कि कौन सा कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, घर कब खरीदा 2011 में, इंश्योरेंस का पैसा कब मिला, या घर कब डैमेज हुआ 2018-19 में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो अराइज होगा, ये तो पक्का श्योर है, या तो गेन होगा या लॉस होगा। अब हमें यहाँ पर पता क्या करना है, पहले देखना है ट्रांसफ़र। मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि आपको फर्स्ट में आपको ऊपर हेडिंग क्या लिखनी होती है कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ एसेसी फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। तो आपको असेसमेंट ईयर तब लिखोगे जब आपको प्रीवियस ईयर पता होगा, और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन में प्रीवियस ईयर क्या होता है, इन विच द कैपिटल गेन इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। यानी कि जिस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बेस लेके असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर देते हैं, यही होता है। बट इन दिस केस आप ध्यान से देखिए,
कोई अगर एसएससी है, मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन है, उसने बड़े मन से अपना घर खरीदा था, अब उसका घर जो है इस डेट को जो है डैमेज हो गया। अब देखिए मैंने बताया अगर डैमेज हो तो उसी डेट को ट्रांसफ़र हुआ, डैमेज हो गया ना, ट्रांसफ़र हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम 50 लाख देंगे इसी डेट को, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया नेक्स्ट ईयर। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे अगर कोई एसएससी है उसका घर भी, तो बेचारे का कहते हैं घर डैमेज हो गया, अब क्या सरकार क्या उससे, ये कौन सा ईयर है 1819, क्या उससे गवर्नमेंट 1819 में ही टैक्स ले लेगी? अब बेचारा एसएससी क्या बोलेगा कि मेरे पास तो अभी तक इंश्योरेंस क्लेम का पैसा ही नहीं आया, पैसा आएगा तब तो मैं टैक्स दूंगा, एक तो मेरा घर चला गया है, इंश्योरेंस क्लेम से पैसा अभी तक आया नहीं और सरकार मेरे से टैक्स लेने आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है, तो गवर्नमेंट ने इस केस में ट्रांसफ़र का, यानी कि ट्रांसफ़र कब माना गया इस केस में, व्हेन द एसएससी रिसीव क्लेम, इन विच ईयर एसएससी रिसीव्ड क्लेम। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A में क्या क्या बोला हुआ है, देखिए कि एनी काइंड ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस बाय द एसएससी, और यू कैन से द मीन्स इन केस ऑफ ट्रांसफर थ्रू इंश्योरेंस, देन दी असेसमेंट ईयर विल बी द ईयर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। दैट मीन्स जिस ईयर में इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम मिला उसी ईयर को हम क्या मान के चलेंगे, प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो इस केस में देखिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1920, क्योंकि 50 लाख अमाउंट जो वो कब मिला, ऑन 1st of July 2019, दैट मीन्स इन द प्रीवियस ईयर 1920, दैट मीन्स द असेसमेंट ईयर विल बी 2021। ठीक है, बस बाकी तो आपका सिंपल है ही, सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 सेल्स कंसिडरेशन कितना मिला, देखिए अमाउंट 50 लाख, लेस क्या क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना अमाउंट मिला, कितना अमाउंट देखिए कितने में घर खरीदा था, एट ₹12 लाख। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, आपका अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट जितने में घर खरीदा मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन विच एसेट ट्रांसफर्ड, आई रिपीट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर इन विच एसेट ट्रांसफर्ड, कौन सी ईयर में एसेट ट्रांसफर हुई है, 1819 में, क्योंकि 1819 में तो घर डैमेज हो गया और उसी वक्त इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपको जब 50 लाख अमाउंट मिलेगा, वैसे तो मिला देखा देखो तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा ट्रांसफर, तो देखिए पहले पहले हमने देखा कि कौन से ईयर में गवर्नमेंट सरकार उससे टैक्स वसूलेगी, कौन सी ईयर में, 2020 में, क्योंकि प्रीवियस ईयर कौन सा हो, 1920। लेकिन 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 इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर कैपिटल एसेट एक्वायर्ड, जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर करी उसको ऊपर लिखना है उसका इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड जिस ईयर में एसेट एक्वायर्ड करी है उस ईयर का इन्फ्लेशन हमें नीचे लिखना है। ठीक है, सो आप देखिए डैमेज क्या हुआ 1819 में,
सो यहाँ पर आपको 1819 का आपको इन्फ्लेशन लिखना है। देखिए इन्फ्लेशन कितना है, दैट इज 1819 का देखिए 218। सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 280 डिवाइडेड बाय, कौन सी ईयर में एसेट परचेस की थी, 2012 का क्या होता है 100, ये अब तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। सो दिस अमाउंट कम्स टू रुपीज 33,60,000। अब लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट देखिए क्या लेंगे हम, कितने की इम्प्रूवमेंट की थी 5 लाख की, मल्टीप्लाई अब हम अगेन 280 से करेंगे, बट डिवाइड किससे करेंगे हम, देखिए कौन सी ईयर में इम्प्रूवमेंट हुई है, 13-14 में। सो देखिए 13-14 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कितना कितना है, 220। अमाउंट आ जाएगा आपका 6,36,364, 10,03,636। ये क्या आ गया आपका LTCG, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर द इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। ये हमने देखिए सारा कहाँ पर डिस्कस किया आपका, मैंने अब तक आपका ये मैं डिस्कस कर रहा था आपसे सेक्शन 45 1A, ठीक है, सेक्शन 45 1A, दैट मीन्स इन द केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। नाउ लेट्स टेक मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 45 2। एग्जाम्पल लेते हैं देखिए इसका भी, हम एसएससी ने एसेट परचेज की है ऑन 1 मई 2010 ऑफ रुपीज 5 लाख, देन ही एक्चुअली कन्वर्ट दिस एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब मान लीजिए उसके पास कोई ज्वेलरी थी, ठीक है, अब उसने वो ज्वेलरी जो है अपनी पर्सनल ज्वेलरी को वो बिजनेस में लेके आ गया, ठीक है। सो उसने क्या करा, अपनी पर्सनल एसेट को, देखिए ज्वेलरी किस में आता है आपका, कैपिटल एसेट में आता है, अब उसको वो अपने बिजनेस में ले गया तो क्या मिलेगा, स्टॉक इन ट्रेड। तो उसने कन्वर्ट कर दिया, कब किया, मान लीजिए 10th of October 2017 को, और उस टाइम की जो मार्केट वैल्यू थी उस कैपिटल एसेट की वो कितनी थी, 18 लाख, ठीक है। एंड देन लास्ट ही सोल्ड दैट स्टॉक इन ट्रेड, बेच दिया उसको कब, 31st July 2019 ऑफ रुपीज 21 लाख। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, सेक्शन 45 2, दैट मीन्स अगर कोई भी एसेसी अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना हम वो देख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जब उसने ये एसेट परचेज की थी, कौन सी एसेट है यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड क्या आपका पता है, गोल्ड क्या होता है आपका, कैपिटल एसेट है ही आपकी, ठीक है। सो देखिए फ्रॉम दिस डेट टिल दिस डेट, ठीक है, वो उस एसेट को उसने कैपिटल एसेट था। उसके बाद इस डेट से वो क्या बन गया, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पर उसकी दो टाइप की इनकम अराइज हो जाएगी, कैसे, यहाँ तक तो क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल गेन, एंड यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका, PGBP,
क्योंकि उसने एसेट एसआईटी में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसकी सेल्स कंसिडरेशन क्या होगी, फिर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, वो देखना है वहाँ से। देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला वो देखिए वही है, सेल कंसिडरेशन कौन सी वैल्यू लेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। और अभी मैंने बताया देखो येलो वाला देखो पोर्शन कैपिटल गेन की ऐसे ट्रांसफर दी, और कब बेची, कब उसने कन्वर्ट करी, ऑन 10th of October 2017 उसको वो कन्वर्ट कर दिया। देखिए ट्रांसफर में मैं आपको इन डिटेल बता भी दूंगा बाद में कि ट्रांसफर में साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी एसेट ट्रांसफर और कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट स्टॉक इन कन्वर्ट कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर हुआ, क्यों क्या ट्रांसफर हुआ, कैपिटल एसेट, क्योंकि गोल्ड कैपिटल एसेट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल गेन अराइज होगा। सो उस केस में देखिए शेयर कंसेशन क्या होगा, अमाउंटिंग ₹18 लाख। सर 18 लाख क्यों, बेचा तो 21 लाख में है डियर, वो 21 लाख कब बेचा, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एसआईटी। तो ये जो इनकम आएगी वो तो आपकी पीजीबी इनकम है, हम क्या निकाल रहे हैं, अवर कैपिटल गेन। ठीक है, सो यहाँ पर सेल्स कंसेशन कितना मांगे चलेंगे हम, 18 लाख। अब माइनस क्या करेंगे, देखिए लेस करेंगे हम, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, मैंने इंडेक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। कि सर कैसे पता चला, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखिए कब से कब तक है, फ्रॉम 1 मई 2010 टिल 9th of October 2017। ठीक है, दैट मीन्स मोर देन 36 मंथ्स, तो क्या जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है आपकी। सो इसलिए हम यहाँ पर इसको इंडेक्सेशन कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कितने में परचेज किया था, ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई मैंने आपको फोन ऊपर ऊपर आपको लिखवा था, क्या लिखवाया था, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड। कब ट्रांसफर हुई है, 17-18 में, तो 17-18 का ही लेंगे। ठीक है, 17-18 का क्या है, 272, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एसेट कब एक्वायर की थी, 10-11 में, 10-11 का देखिए कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, 167। सो डिवाइड किससे करेंगे हम, 167। बस नाउ दिस अमाउंट कम टू ₹18,14,371। बस ये आपका हो गया एलटीसीजी। बट अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ सर, कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए ऊपर हमने ऊपर पढ़ा था कि ट्रांसफर तो ठीक है कैपिटल गेन आ गया, लेकिन ये टैक्स कब पे होगा, टैक्स कब पे होगा ये देखना पड़ेगा आपको। देखिए अगर हम यहाँ पर ट्रांसफर कब हुआ है, 17-18 को, 17-18 को उसने उस असेसी ने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है। देखिए अगर वो बाहर किसी को बेच देता तो उसके हाथ में कैश आ जाता, बट यहाँ तो उसके हाथ में कैश आया ही नहीं है, तो उससे हम 17-18 में टैक्स कैसे ले लें, ले ही नहीं सकती सरकार उससे। ठीक है, सो उस केस में गवर्नमेंट ये बोलती है कि अंडर सेक्शन 45(2) व्हेन द एसेसी ट्रांसफर इट्स एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड देन द टैक्स विल बी then the amount will be taxable in the year in which the stock in trade transferred or sold। ठीक है, so यहाँ पर आपको लिखना है, ऊपर heading देखिएगा लिखनी है calculation of capital gain of Mr. Manjri, मैं जेड लिख देता हूँ, for the assessment year 2020-21। सर 2021 कैसे, क्योंकि देखिए ये वाली जो एसेट है वो फाइनल कब सोल्ड की है, देखिए फाइनल कब सोल्ड की है, ये ऑन दिस डेट। ठीक है, दैट इज ऑन 31 जुलाई 2019।
क्योंकि देखिए 1718 में उसके पास इन हैंड कुछ हाथ में आए नहीं है। सो उस ईयर में तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ले नहीं सकती, ठीक है। सो गवर्नमेंट उससे टैक्स कब लेगी? 2021 में, ठीक है। लेकिन 2021 में दो टाइप के उसकी इनकम बनेंगी, एक तो कैपिटल गेन एंड 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 पीजीबीपी। तो देखिए पीजीबी बन जाएगी यहाँ पर। देखिए पीजीबीपी कैसे निकालेंगे, कंपटीशन ऑफ पीजीबीपी कैसे लेंगे, सिंपल। उसने बेचा कितने पे? 21 लाख पे। उसने खरीदा कितने पे? खरीदा था ना, उसने कन्वर्ट किया था उस टाइम उसके मार्केट वैल्यू कितनी थी जब उसने वो कन्वर्ट करके लिया था? 18 लाख की, ठीक है। सो दैट मीन्स 3 लाख का उसका क्या हो जाएगा? पीजीबीपी, ठीक है। सो दैट मीन्स इन दिस केस द ग्रोस टोटल इनकम विल बी 12,85,629 फॉर द ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। सो इस केस में स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 45 सब क्लोज 2 में आपकी दो टाइप की इनकम बनती है। फर्स्ट वन इज कैपिटल गेन एंड सेकेंड वन इज पीजीबीपी। दोनों इनकम को आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए ये वाली भी आपकी देखिए 2021 में आ रही है और ये वाली आपकी 2021 में आ रही है, ठीक है। ये 2021 में क्यों आ रही है? क्योंकि जब एसेट इसको कन्वर्ट किया था तब एसएससी के हाथ में कुछ आया नहीं था। फाइनल पैसे कब आया? 2019-20 में, ठीक है। सो ये था आपका सेक्शन 45(2). चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एसेट्स जो परचेज की है ऑन 1 जनवरी 2011 को ऑफ 5 लाख एंड देन दिस कैपिटल एसेट इज कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 15 दिसंबर 2016 एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट वॉज रुपीज 11 लाख एंड देन फाइनली दिस कैपिटल एसेट दिस स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड ऑन 1 फरवरी 2020 ऑफ रुपीज 20 लाख। अब तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है। सो पहले देखें ऊपर हेडिंग का लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एसेट फॉर द असेसमेंट ईयर। कौन से असेसमेंट ईयर लेंगे यहाँ पर हम? जिस ईयर में फाइनल वो जो स्टॉक इन ट्रेड कब सोल्ड किया, दैट इज कब? 1920 ईयर में, प्रीवियस ईयर है। सो असेसमेंट क्या होगा? 2021 में। यहाँ पर देखिए सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे यहाँ पर हम? फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, कितनी थी? 11 लाख। लेस क्या करेंगे हम? इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 5 लाख। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पर हम 1617 का हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन लेंगे। 1617 का देखिए क्या है? 264। डिवाइड किसे करेंगे? जब वो एसेट एक्वायर किए दैट मीन्स इन द ईयर 1011। 1011 में देखिए 167 कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, सो डिवाइड बाय 167। नाउ दिस अमाउंट कम्स टू रुपीज 7,90,490। दिस अमाउंट कम्स टू रुपीज 3,09,581। ये क्या आ गया? एल टी सी जी। बट वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट पी जी बी पी, ठीक है। पी जी बी पी कितना होगा? 20 लाख लेस 11 लाख, ये पी जी बी पी इनकम आ रहा है जो भी, ठीक है। सो दोनों ऐड करके क्या बनता है आपका? जी टी आई, ओके। ये था आपका सेक्शन 45(2). That means when the SSE convert its capital asset into stock and trade.
Now moving to next section. That is section 55(3). ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझना इसको। मान लीजिए देर आर थ्री पार्टनर्स मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो बस आप समझ लेना। ये तीनों कौन है पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। पार्टनर्स हैं क्यों, क्योंकि ये इन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि हम मिलके एक फॉर्म इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसके लिए इन तीनों को कैपिटल आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या हुआ, सी अपना कैश लेके आया, बी भी अपना कैश लेके आया। ठीक है, बट ए के पास कैश नहीं था। ठीक है, बी और सी अपना कैश लेके आ गई। मान लीजिए कितना कितना लेके आए, मान लीजिए तीनों पार्टनर को जो है 50 लाख लेके आना था। ठीक है, सो बी और सी को देखिए कैश लेके आ गए बट ए के पास कैश नहीं था। सो ए ने सोचा कि मैं जब फर्म चलाना बिजनेस चलाना उसके लिए जमीन तो चाहिए, सो मेरे नाम पे एक ज़मीन है वो मैं फर्म को दे देता हूँ एज कैपिटल। तो उसने उसके क्या दिया, ज़मीन दे दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए को अमाउंट कितना नाम था 50 लाख, उस लैंड उस कैश के बदले वो कैपिटल में क्या लेके आया, वो इन द फॉर्म ऑफ लैंड दैट इज ऑफ ₹50 लाख। बट जब मार्केट में उस लैंड की असली वैल्यू जब पता लगी, ना कि मार्केट वैल्यू, वो 50 लाख नहीं थी, वो कितनी थी 45 लाख। लैंड की वैल्यू कितनी थी 45 लाख की, ना कि 50 लाख। और ये पार्टनर्स को भी बहुत अच्छे से पता था। ठीक है, सो उस केस में लेकिन इन तीनों पार्टनर ने आपस में अग्री करा कि ठीक है कोई नहीं, हम आपकी वैल्यू जो 50 लाख की कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स वेन दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड दी वैल्यू ऑफ लैंड इट शोज अमाउंटिंग ₹50 लाख। दैट मीन्स दे हैव रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अमाउंट द वैल्यू ऑफ लैंड ऑफ ₹50 लाख। सो देखिए यहाँ पर देखिए एसएससी कौन है, ए, क्योंकि यहाँ पर एज पर सेक्शन आपका जो आपको हमने पढ़ा था दैट इज 45(1), उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसफरर ही जो है वो कौन होता है, एसएससी होता है। तो इस केस में देखिए ट्रांसफर कौन है, ए, क्योंकि वो ए जो है अपनी कैपिटल सेट क्या है यहाँ पर लैंड, वो फॉर्म में लेके आ गया। तो इस केस में ये ट्रांसफर के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, इसलिए ये इसको हम यहाँ पर सेल कंसीडरेशन होगा यानी कैपिटल गेन आयात होगा। ठीक है, सो इस केस में अभी क्वेश्चन आ रहा जाता है कि जब ए अपनी जो ज़मीन लेके आया है वो है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 45 लाख, लेकिन सारे सब पार्टनर से मिल के उसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी रिकॉर्ड की है, 50 लाख। अब ये क्वेश्चन आ रहा जाता है कि जब ए कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा तो ये कैसे लिखेगा, सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब उसकी जो ज़मीन थी मान लीजिए उसने 10 हज़ार पहले खरीदी, कितनी भी खरीदी हो वो तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ वैल्यू ये क्वेश्चन आ रहा होता है व्हाट विल बी दी सेल कंसिडरेशन, कितना लेगा 45 या 50 लाख। सो यहाँ पर एज पर सेक्शन 45(3) इनकम टैक्स का क्या कहता है, इफ एनी पार्टनर ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट टू फर्म देन द सेल कंसिडरेशन विल बी दी वैल्यू Entered in the books of account of firm। ठीक है, यानी कि जितनी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिडर करी है वही वैल्यू जो है हम उसकी सेल कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई एक जमीन है वो परचेज की थी, कब, ऑन 1 अप्रैल 2005 को खरीदी थी। कितने की खरीदी, 10 लाख की खरीदी थी। ठीक है, अब 1920 ईयर में उसने वो एसेट जो है वो फर्म को ट्रांसफर कर दी यानी कि बेच दी। ठीक है, अब उसमें उसकी वैल्यू वैसे कितनी दिखाई, 50 लाख, पर थी कितने की, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दिखी थी,
यहाँ बैकेंड लिख देता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 45 लाख। तो इस केस में से कंसिडरेशन कितना होगा? 50 लाख ही होगा। कितना होगा? 50 लाख ही होगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना मेंटेन किया है? 50 लाख। ठीक है, सो सेल कंसिडरेशन 50 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? 10 लाख का। ठीक है, सो ये तो आप खुद कर ही रहोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर मेन किस पे फोकस करना था कि सेल कंसिडरेशन यहाँ पर क्या मानी जाएगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 45(4) सेक्शन 45(4) क्या कहता है? इफ एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय फर्म टू पार्टनर। अब यहां पर देखिए रिवर्स सिचुएशन है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? 45(3) व्हेन, तो 45(3) में क्या पढ़ा था हमने कि व्हेन द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय असेसी टू फर्म, तो उस केस में सेल कंसीडरेशन हमने देख लिया क्या लेंगे, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट वैल्यू वैल्यू रिकॉर्ड वगैरह। अब यहाँ पर यह है कि 45(4), दैट मीन्स फर्म जो है अपने पार्टनर को एसेट ट्रांसफर कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? सपोज देर इज अ फर्म विच इज एक्चुअली गोइंग इन टू डिजोल्व। ठीक है, डिजोल्व को क्या बोल रही है, मैं यहाँ लिख दूँ, एक फर्म है, दिस फर्म इज गोइंग टू डिजोल्व ऑन 3rd January 2020। ठीक है, एंड इस फर्म ने एक लैंड परचेज की हुई थी, कब? ऑन 31st December 2010 को। ठीक है, मान लीजिए उसकी वैल्यू थी सपोज 60 लाख। अब डिजोल्व हो रही है। अब इस केस में फर्म के जो है तीन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इस तीन तीनों का जो हिस्सा वो कितना कितना है? 20 लाख ईच। अब जब फर्म डिजोल्व होने जा रही है तो पार्टनर से डिसाइड करा कि जो कंपनी की जो भी ज़मीन है वो हम तीनों आपस में बंटवारा कर लेंगे। ठीक है, तो जब कंपनी ने सॉरी जब फर्म ने इसको ज़मीन को खरीदी थी तो उसकी जो एक्विजिशन वैल्यू थी वो कितनी थी? 60 लाख, जो कि 2010 में खरीदी थी। ठीक है, अब देखिए क्लास बहुत ध्यान समझना। देखिए आपको अच्छे से पता है कि फर्म और पार्टनर दोनों एक होते हैं, क्योंकि कंपनी नहीं है ये फर्म है। फर्म कौन चलाता है? पार्टनर से जाते हैं, सारे डिसीजन पार्टनर लेके चलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जब हमने ऊपर सेक्शन पढ़ा था 45(1), उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसफर कौन होता है यहाँ पर? असेसी। ठीक है, सॉरी असेसी कौन होता है? ट्रांसफर। यहाँ पर ट्रांसफर कौन है? फर्म। ठीक है, और असेसी कौन होगा? फर्म होगा। अब आप गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्या यहाँ पर फर्म को कोई फायदा हो रहा है? क्योंकि फर्म ने 10 साल पहले जो एसेट खरीदी थी, लैंड खरीदी, वो 60 लाख की खरीदी थी, और वो आज यानी कि इस ईयर में वो 60 लाख की तीनों पार्टनर में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर 60 लाख आए थे, 60 लाख जा रहे हैं, तो उस केस में तो देखिए मतलब फर्म को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, बट इन दिस केस द ट्रांसफरी इज गेटिंग बेनिफिट, क्योंकि देखिए आज के अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू देखिए करोड़ों में हो सकती है। मान लीजिए 6 करोड़ हो रही है। ठीक है, तो तीनों के केस में तो 20 लाख आने थे, लेकिन आ कितने रहे हैं? 2 करोड़ ईच। ठीक है, फर्म को तो यहाँ पर देखिए कोई फायदा हो नहीं रहा है, यहाँ पर बेनिफिट किसको मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। सो गवर्नमेंट को यहाँ पर भी देखा जाए तो कायदे से पार्टनर से टैक्स लेना चाहिए। ठीक है, बट गवर्नमेंट यहाँ पर एज पर रूल जो है वो कौन है? एसएससी कौन है यहाँ पर? ट्रांसफर। सो गवर्नमेंट टैक्स यहाँ पर किससे लेगी? फर्म से लेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्चुअली नॉर्म चेंज नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि फर्म के केस में पार्टनर ही तो फर्म है, दोनों एक ही तो हैं। टैक्स चाहे कोई भी पे करे, चाहे फर्म पे करे चाहे पार्टनर पे करे, बात तो वही की वही है। ठीक है, सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स पार्टनर से ही वसूल रही है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर एसएससी कौन है? फर्म। फर्म। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए सेल कंसिडरेशन क्या होगी? सेल कंसिडरेशन क्या होगी? 6 करोड़, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 6 करोड़ है। ठीक है, ऊपर ऊपर उल्टा था। ऊपर क्या करते थे हम? बुक्स ऑफ अकाउंट जितना रिकॉर्ड किया उतना नहीं था, बट इन दिस केस
यहाँ पर क्या होगा आपका, जितनी मार्केट वैल्यू है वही जो सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन क्या जाएगी, 6 करोड़ लेस इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंटिंग रुपीज 60 लाख। 60 लाख आप इंडेक्स करेंगे 10 साल के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस दैट मीन्स अंडर सेक्शन 44 द सेल कंसेशन विल बी इक्विवेलेंट टू मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट इन द ईयर इन विच एसेट ट्रांसफर। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्लास, ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई फर्म डिजोल्व हो रही है और कोई भी एसेट जो है वो पार्टनर्स के नाम कर रही है, तो उस केस में उसमें भी जो है उसको ट्रांसफर में माना गया है। ठीक है, सो ये था आपका सेक्शन 45(4)। सो नेक्स्ट आपका है 45(5), दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। बट वो आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि उसको हम जो है इन ब्रीफ नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझें। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।